Hello dear students, in continuation to our topic, what is WordPress page? आज हम अपनी WordPress website के लिए पेज बनाते हैं. First of all, dear students, यहाँ पे इस वक्त मेरे पास WordPress का बिल्कुल blank WordPress है और इस WordPress की website पे इस वक्त कोई पेज नहीं, कोई content नहीं. Now I need some content, मैंने pages बनाने हैं, मैंने यहाँ पे एक WordPress की website बनानी है. इस मकसद के लिए मैं यहाँ वर्डप्रेस में जाऊँगा डैशबोर्ड पे और यहाँ पेजेस का ऑप्शन है. पेजेस में ऑल पेजेस, ये स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सैम्पल पेज एक पड़ा हुआ है और प्राइवेसी पॉलिसी नाम का एक पेज पड़ा हुआ है और कोई अदर पेज यहाँ पे नहीं है. तो मुझे यहाँ पेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एड न्यू पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वेबसाइट के लिए सबसे जो मेरा मेजर पेज है वो होम पेज है, तो मैंने पेज का टाइटल दिया होम. डियर स्टूडेंट्स, पेज का टाइटल देने के बाद ये हमें कह रहा है जी कुछ ब्लॉक वगैरह दे दें, कुछ टेक्स्ट वगैरह दे दें, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें. अब अगर आप पेज पे कुछ लगाना चाहते हैं, कोई कंटेंट, तो मोस्ट वेलकम, आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं. कुछ टेक्स्ट वगैरह आप देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चले फॉर द टाइम बीइंग कुछ छोटा सा टेक्स्ट यहाँ लोरम इप्सम से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ. लेट्स सी हम कैसे काम करेंगे. इसमें मैंने टेक्स्ट लिया, कॉपी किया एंड कॉपी करके ये होम पेज के ऊपर मैंने इसे पेस्ट कर दिया. हियर वी हैव सम टेबल टाइप ऑफ थिंग, ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने होम पेज भी बनाया और उस पर कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर लिया. जैसे ही मैंने टेक्स्ट ऐड किया तो ये गुटेनबर्ग का एडिटर मेरे सामने आ गया. यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दें हेडिंग में, और इसका कौन सा हेडिंग लेवल आपने बनाना है. मैं कहता हूँ ये हेडिंग वन होगा. इसके साथ आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, यानी उठा के जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, मूव अप एंड डाउन भी कर सकते हैं. इसकी अलाइनमेंट आप जहाँ पे भी रखना चाहें अपनी मर्जी से प्लेसमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लें, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर लें. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी टेक्स्ट के साथ लिंक देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हाइपरलिंक बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये लिंक का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जी इस जगह मेरी वेबसाइट का लिंक होना चाहिए. वेबसाइट का नाम क्या है जी? मेरी वेबसाइट का नाम है pictacademy.com. तो मैंने यहाँ से ये लिंक कॉपी किया URL अपनी वेबसाइट का और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए. अब कोई भी बंदा इस लोरम इप्सम पे क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे pictacademy.com के साथ लिंक कर दिया जाएगा. तो ये तरीका है आप लिंक कैसे बनाएंगे. नेक्स्ट पे आपके पास ये कॉपी डुप्लीकेट और ये एडिटर के ऑप्शन हैं. ये स्टूडेंट्स, आप कोई ऑब्जेक्ट अगर बैक एंड एडिटर पे बनाना चाहते हैं वेबसाइट को, तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट लगाना है, तो ये ब्लॉक इंसर्टर है, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास पैराग्राफ, हेडिंग, कोड, कोड डिटेल्स, पिक्चर्स, गैलरी, हर चीज़ अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ इमेज चाहिए, कौन सा इमेज चाहिए, मैं इसको अपलोड करता हूँ. अपलोड पर क्लिक करके आपके पास ये गैलरी है आपकी, जिसमें ये पिक्चर अपलोड होगी. आपके पास इस वक्त बेशुमार इमेजेस पड़े हुए हैं. जो इमेज आप चाहते हैं कि आप इस पर लगा दें, जस्ट सेलेक्ट योर इमेज एंड क्लिक अपलोड. फॉर एग्जांपल आई वांट दिस इमेज हियर, मैंने क्लिक कर लिया तो वो इमेज मेरे पेज पर ऐड हो जाएगी. जैसे मैं इमेज को ऐड करूँगा तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गुटेनबर्ग एडिटर के इमेज एडिटिंग के टूल्स मेरे सामने आ जाएंगे, जिसकी मदद से मैं इस इमेज की सेटिंग्स कर सकता हूँ. सो इसके अलावा यहाँ पे ये मुझे ये इमेज के साथ एक यूआरएल आया हुआ है, ये यूआरएल मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसे रिमूव कर दिया यहाँ पे. और अनवर्ड्स आप कोई भी कंपोनेंट वर्डप्रेस का बैक एंड एडिटिंग का लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई भी मसला यहाँ पर नहीं होगा. नाउ यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू. ये आपको दिखा रहा है कि इस वक्त आपने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस लगाए हुए हैं. अनडू एंड रीडू के ऑप्शन है और व्यू पेजेस का ऑप्शन भी मौजूद है. नेक्स्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप चले जाएं सेव एज ड्राफ्ट, ये पेज को एज अ ड्राफ्ट सेव कर देगा. ये ऑप्शन है जी प्रीव्यू, ये आपको दिखाएगा कि ये जो पेज है
इसका प्रीव्यू किस लेवल का आप बना रहे हैं, डेस्कटॉप के साइज का बना रहे हैं, टैबलेट के साइज का, पेज के साइज का, तो ये उस हवाले से प्रीव्यू की सेटिंग के लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिशिंग का, वेब पेज को पब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का, जहाँ पर आप अपने वेब पेज की सेटिंग्स को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, इसको भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर भी स्टूडेंट्स आप पेज देख सकते हैं, इसका कहता है कि इसकी विजिबिलिटी क्या होगी, उसके अलावा पेज का ऑथर कौन है, और पेज का फीचर इमेज अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वैसे ये पोस्ट के लिए होता है, मैं इसे नहीं लगाऊंगा। डिस्कशन और पेज के एट्रीब्यूट्स पे चले जाएं, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसका पैरेंट पेज कौन सा होगा, इसका ऑर्डर कौन सा होगा, तो यहाँ पे मैं पेज की तरतीब दे सकता हूँ, ये पेज नंबर वन होगा। एंड ब्लॉक के ऑप्शन में चले जाएं, तो ये हमारे पास ये पेज के एट्रीब्यूट की सेटिंग आ गई। और नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक ऑप्शन है पब्लिश, जस्ट वन क्लिक टू पब्लिश है, आप क्लिक करेंगे और पब्लिश कर देंगे। अब आप व्यू पेज करें तो यहाँ से आपको वर्डप्रेस आपके पेज पर ले जाएगी, जो आपने डिज़ाइन किया आप इसको बाकायदा देख सकते हैं। यहाँ डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपने वर्डप्रेस के एडिटर में वापस आ जाएंगे पेज के प्रीव्यू से। यहाँ पेजेस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने बनाए हुए पेजेस में देख सकते हैं कि आपका एक नया पेज ऐड हो चुका है होम। मैं मज़ीद पेज ऐड करना चाहता हूँ, ऐड न्यू पेज, यहाँ पे मुझे एक और पेज चाहिए जी, इस पेज का नाम होगा अबाउट अस, एंड पब्लिश, अगेन पब्लिश, ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे। पब्लिश करने के बाद, पेज को लाइव करने के बाद एक और पेज बनाते हैं जी, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स, एंड अगेन पब्लिश, पब्लिश, इन पे कॉन्टेंट्स आगे जाके हम बनाएंगे। अगेन एड न्यू पेज पे क्लिक करें, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स के अलावा मुझे एक पेज चाहिए जी, वर्डप्रेस टिप्स एंड ट्रिक्स, पब्लिश कर देंगे। अगेन मुझे एक और पेज चाहिए, इस पेज में हम कहते हैं जी वर्डप्रेस लेक्चर्स, पब्लिश करते हैं, अगेन पब्लिश करते हैं, ये पेज भी अपलोड हो चुका। ऐड न्यू करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं जी प्लग इन्स ट्यूटोरियल्स, पब्लिश कर लेते हैं, पब्लिश हो गया। ऐड न्यू पेज करते हैं एंड अगेन हम यहाँ पे एक दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस एंड पब्लिश। गो बैक टू वर्डप्रेस, ये डब्ल्यू सिंबल पे क्लिक करेंगे एट द कॉर्नर ऑफ द एडिटर, तो आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने ये तमाम पेजेस जो आपको रिक्वायर थे आपकी वेबसाइट के लिए बना दिए। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ ये जो सैम्पल पेज है मैं इसको रिमूव कर दूँ, तो मैं ट्रैश पे क्लिक करूँगा तो ये सैम्पल पेज ट्रैश हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आपने कोई भी पेज बनाया हुआ है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आध पेज और एक्स्ट्रा बना लेता हूँ न्यू पेज नाम से, पब्लिश भी कर लेता हूँ। नाउ आई डोंट नीड दिस पेज, मुझे ये पेज नहीं चाहिए, तो पेज पे आएंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, क्विक एडिट का ऑप्शन है, ट्रैश का ऑप्शन है एंड व्यू का ऑप्शन है। ट्रैश करेंगे तो यहाँ से भी ये पेज रिमूव हो जाएगा। एडिट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ से आप पेज का टाइटल एडिट कर सकते हैं, पेज के ऊपर लिखे हुए कंटेंट को आप एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी मूव टू ट्रैश का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी आप अपने पेज को ट्रैश कर सकते हैं और पेज आपकी वेबसाइट में से रिमूव हो जाएगा। सो इस क्लास में डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे पेज को ऐड कैसे करते हैं। इसी क्लास में डियर स्टूडेंट्स, हम एक बात और डिस्कस करते हैं पेज के बारे में, कि मिसाल के तौर पे हमने ये पेजेस बनाए और मुझे ये जो पेज है फर्स्ट पेज के तौर पर हाईलाइट करना है कि ये मेरी वेबसाइट का होम पेज होगा। फॉर दैट पर्पस आप अपीयरेंस डियर स्टूडेंट्स कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज की आपकी कैटेगरी में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी पेज को एज अ मेन पेज सेट कर सकते हैं, एज अ होम पेज सेट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट इसने एज अ कस्टमाइज दी हुई है। तो यहाँ पे इस वक्त क्योंकि डिफ़ॉल्ट थीम है तो यहाँ पे वर्डप्रेस का कस्टमाइज ऑप्शन आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा। कस्टमाइज नॉर्मली अपीयरेंस के अंदर होगा, जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करेंगे तो कस्टमाइज का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास इस वक्त डिफ़ॉल्ट पेज ऐड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कस्टमाइज के बारे में एंड पोस्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।